जिस तरह इंतजामिया ने आर्डर है आजी साहब बड़ी करकनिया अखिया नाल तकने पे मिली ए बड़े भाई है इन्हें कोई डर भी लगना इन्हें आया फिर दोबारा स्टेज पर आ जाओ दो मिनट दोस्त साधा नहीं सेटिंग कर सन तो फिर तुसा किधर खुलिया डुलिया करना क्यों जी आजी साहब आजी और भी पुरजोर चाहता कि शेर सुन सा हूं तुसा नहीं इंतजार नहीं घड़िया खत्म हुई टाइम दाद देनी लेकिन सुन के हिजरो फराक ने रंग कुछ मिठे मिठे अदाबी शिकवे भी अदब ने दायरे च रह गए क्योंकि राजा साहब बड़े दूर राजा फी साहब बड़े दूर तशरीफ फरमा हुए ये भी राजपूत फैमिली ना तलक रखने और मैं भी राजपूत फैमिली ना तलक रखना तो बड़िया गल्लां सोचनिया पैनिया कोशिश कर सा इन्हां नाल प्यार मोहब्बत करां वैसे है ते प्यार मोहब्बत ने काबिल है थोड़ी जी खामोशी करो ना इसकी ला की करी सटे और क्या खुशी गलत पासवर्ड लाई मैं पहले अर्ज की थी कि जो कुछ गाने पहले वो सुनो ये ना वह फिर वही गल हो जाए कि जो कुछ बाने हो ठीक बाने हो पता नहीं बाने क्या है राजा साहब वास्ता एक शेर है बड़ा खूबसूरत शेर है एक आवाज की थी वो किस तरह ओ सजना ओए तेरी नाजक अदा तू बिस्मिल्ला ओ तेरी नाजक अदा तू बिस्मिल्ला ओ तेरी जोबन जवानी तू जान सदके सजना भी दसने की कोशिश की जी रहे फिर आप क्या लाल को कुछ सोचना भी पैदा अपने दिमाग को गल कुछ सोची रहा कोई फैसला चाहिए
कल खोलने को पता लगा बरसे भरिया ने भाई हर पल मगर दीवानिया दिल करदा तेरी अख मस्तानी सुझा सके अख नहीं कमा लिया फिर ये दिन दावा पसंद कर लिया ये दिन किसा ना हो जाना आला मोहम्मद होशियार गोदी फरमाने मैं अपनी अखियां ना भी आसान मना लाल लेड़िया अखियां तकिया ही ना उन्होंने भी आसान मन सा भाई किस तरह अखियां Yeah.
मारो ना शेर पड़ना
पर जो जोश हो तो खरोश च हो जाना कोई ऐसी गल नहीं है। तेन की चंगे बहुत लगने बड़े अरसे तू साड़ी संगत दोस्ती भी है लेकिन शेरी ना वस्त है वो किस तरह तेरा पिछले की डिस्टर्बेंस होनी थोड़े जे अगे साइड पर हो जाओ कपड़े मैले मेहरबानी याद आ गया किस तरह तेरे प्यार भूल जावा इना बहुत बड़ी 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 गल पाई सकी है निकी जी एक झंड बर्दाश्त नहीं होगी आखिया ने मारो तेरा नाम मुड़ू सिर पड़े आखिर तेरी जो बन जवानी तू जा सदके ला बड़िया गल पाई ने सदका मुंह नहीं सिर पा बड़िया सटा खेनिया पैनिया तो बड़िया मारा खानिया पैनिया लिखने वाले लिखा मेरे कच्ची बरसा भावे सोनिया अखियां ने तीर मार अस कहा दसा किस तरह बर्दाश्त कर सा Oh,
ਖਾਲਸਾ ਬਖਰ ਦੱਸੋ ਸ਼ੇਰ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲਣ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ
जे वापस वसूली ना हो दस किसने लगाए किधरे रे आई नहीं एडी स्पीड हो तो बंदा कुछ जाई जान भी ना देने उतु बंदा पकड़ाई देना स्पीड ही बहुत है ऐसा असल देने बिस्मिल्लाह करा आसन सितार बालदत्तर सितार साथ जाने आई डी एस स्टेज पर कई गई जिसने एक लग कर और जान जोगा किधरे रे आई नहीं आखिया सजना है चौधरी नासर साहब चौधरी शौकत साहब चौधरी ताहिर साहब चौधरी सान साहब ये जो बदम ने अंदर आए तरीखियां थुपाई लगी वेलकम आख रहे हैं लिखे ना लिखे आप चलो फिर आदमी खोली रहा
निवाओ कलंदरा लंघ जाईदा गली यार दी उच्चिया बोली दा नहीं यार होना चाहिना यार मार नहीं होना चाहिना इना एक शेरी नवस्या बड़ा स्पेशल शेरी नवस्या लिखे याद आ गया और किस तरह आदि साहब ओए हाय हाय सजना किचर तक राज छुपाई रख सा
कदों आ गया सरूर दे बिच लाल खून अपने इस शेर का सारा फ्रेम ऑफ माइंड चेंज हो गया। बहुत खूबसूरत शेर पेश किया, लेकिन गल करने का मकसद यह है कि जिहड़ा फ्रेम ऑफ माइंड सी, जिहड़ी पाइप लाइन सी, वह सारी चेंज हो गई। काफी स्पीड च आ सा, मैं भी स्पीड च आ, पर राजा थोड़े एडवांस है। तो दो फोटरी चर्सी से ना सच चंगे तू तो एक रात बने एक दुए के आगे तेरा सारी जिंदगी गलत काम कर ले पूरा जुड़ी है ना उम्र ही करी सी नशे से उस आख्या गल तो बड़ी चंगी भाई है दोस्तों गल काम चंगे करने चाहिए उस आख्या उठ पे जो ही उठे तो नाल ही गड़न करी थल उस आड़ी नाल जिथे पीने से थोड़ी देर बाद होश आई जाना मक्का मदीना पहुंची आया उस आख्या हा स्पीड घेड़ा थोड़ी सी सर उस आख्या स्पीड घेड़ा थोड़ी सी अस अगों बाद जड़े स्पीड लाई लेकिन तुसा अपने जहन आई स्पीड भी थोड़ी तेज करो तो साड़ी गल भी सुनो तो फिर बाद तो मैं गर्ज की थी कि इस शेर में मेरा फ्रेम ऑफ माइंड चेंज हो गया लेकिन साईं साहब ने एक शेर मैंने पेश खिदमत करना आखिया सजना ओए फ्रेम ऑफ माइंड भाई चेंज हो गया
हम गल माड़ा इसने बीच किरदार नहीं दाइम इकबाल की जी जने पढ़िया ना वो अपने आप माइंड चक्कर खाना शुरू कर देना ना लेकिन लतीफा सुनाया ने स्पीटा की गल कर रहा कर असल गल यह है जी इन बारी ये नहीं बल्कि असल यह है एक बुजुर्ग बीमार हो कोई भी से पता नहीं हूं टूरी गया थे जे टूरी गए तो अला जान चगा कराने से जे पूरा जेड़े हो अला और जिंदगी दे रहे तो सेहत भी दे रहे पूरा बीमार हो साढ़े मोहतरम चोर साग साहब भी बीमार है अल्लाह पाक इन्हों की शफा दी थी अल्लाह इन्हों की शफा भी दे साड़िया बजमन ये रौनक है तो खसूसन मेरे उस्ताद आदि गुलाम रसूल अब्बासी साहब तो मेरे दादा उस्ताद राजा अब्दर जब्बार भाई अब्दर काला सुखो उन्होंने हम नवा हम प्याला हम जुल्फ लो के बुजुर्ग में मार रहे उन्हें जातक भी भेजा यारा जाओ फिर चूजा एक लोड़ी आलो में यखनी शखनी बनाई पीसा बुजुर्ग गए ना अजा कला ने जागत हसी मैं कोई गल पा तो बंदे कहीं हसल पेड़े कहीं जागत हसन लगी पेने मैं क्या हसने का मुकाम नहीं बल्कि शर्म का मुकाम आ कि बदमा का सजन का बुजुर्ग बदमा भी नहीं हसने के अजकल नहीं नौजवान नसल इतनी बिगड़ी हुई कि यार पता नहीं राती था नौजवान क्या कर सकते छोड़ो इज्जत बचाओ सही रहो नहीं तो दिल बुढ़े नहीं होने बुढ़िया की आज भी दिल करना बदमा भी जश लेना जी जी यह गल भला वे बुजुर्ग आख्या जाओ यहाँ को चूजा लोड़िया हो जागत गए ना साढ़े को दो चौं जाओ पूछा लेने लगा तो कोल कोई शैड था उतो एक जाइए ना अनी रखिया ने आख्या ने बाबा जी कि नहीं आया पर तुसा लाणी जरा तुसा आख्या सा नहीं लगा तो असा यह आंदा तो बुजुर्ग चरपाई को लेटिया हुई तकिया ना उन्हें आख्या पुत्रो इसको आप नहीं उठो ला मिली कद उठा सी जो कोई ताकत होने इस आप पैरों को खा लिया इस बोलू तो आप नहीं उठो ला असल गल यही है गल सपीते वाली नहीं बल्कि असल यह है तो लिखने वाले इस मकान का लिखा राज मुकबाल वर्दे के अंदर आए उदेर के फस छे कला छेर के बहुत पुरानी लाइए दूध दे सवेर हुई तो दुनिया बदल गई क्यों बदल गई सेजा को सहन का फिर इश्क ना हो जा इश्क बादशाह से चुपन खर जा कदम तेरा लाता डालिया कुत्ते पहुंच दे अरे लगाता है कुत्ते पहुंच दे अरे लगाता है
पहली गल जवाब इन्हें की है कि दाइम इकबाल ने जिस पढ़िया कातिल नहीं दिया, नो डाउट, कोई इसमें शक नहीं, वो एक अपनी मिसाल है। मेरे ख्याल जेड़े शेर और सुफन की समझ रख रहे दाइम साहब को कोई पाठ नहीं कर सकता। मैं कदू आख्या कि वह माड़े वो सारे ने बचे, लेकिन जेड़ा माड़ा मताला जिस बंदे ना बाबा सैयद हबीब शाह भी कोई कट नहीं है। उन्होंने शेर मसंग से नासा आस्ता आस्ता इस डोनर वाले पास आसा चुरी पे आ, लेकिन इसे आसा पुख्ता पेडन शेर सुनाने शुरू कर देते तो फिर आम फैन समझ को नहीं अच्छे डे। जब तुस आने हो तो आसा सुनासा सारी रात सुनासा तो त्री गल मजे की जड़ी है आई साहब। त्री गल है कि मुर्गे च जान को नहीं, क्या आख्या ने मुर्गे च जान खोल, असल इन्हें च जान है तो दौड़ी दौड़ी जाने, इन्हें को एक मोटरसाइकिल भी होना चाहिए है थोड़ा जहा लम्मा सफर करन तो इतू रेस देन उ जान मुड़ी बैठा। अच्छा तो कुछ माई बुढ़ी को पूछा कि फिर जी मर्चा कि मौसम लगनिया, उस आख्या बच्चा जिसे कोई सच्ची गल पाया डायलाग है कि अक्षय आना कि मैं सच्ची गल पाना पता नहीं लोग महसूस किया करी जाने, मैं तो सच्ची गल पाना तो क्यों महसूस करने या ना दौड़ने दौड़ने ना तो फिर भी आखो नहीं जी राज साहब है प्यार मोहब्बत में है लोगों टोका होड़िया रह सना। एक शेर बड़ा खूबसूरत याद आ गया काबले गौर शेर है माई कैसा परिंदा आने जिसने उसने साया जिस इंसान ने सारा पर गुजर जाए वो बादशाह बन जाए। स्टोरी सुनी उसे साया उमा दे पास बैठे सिखिया सोचना बोलना लिख लेना, साया उमा दे पास बैठे चीफ एग्जीक्यूटिव कनारा कनारा होटल जी गुजरात चौधरी अरशद साहब जी वेलकम आखने गुजरात मंडी बाबू ने चक वास चौधरी ने रफ्त लिखिया चौधरी ताए रफ्त लिखिया मर्द कलंधर नशे इसका
शहजादे मेहरबानियां शहजादे जी ना गवारा नहीं किया कि फुला वाला पहाड़ भी हथा चाहिए जिस वे तू पता पे आए कई गल हुई जिन्ना सीना दसाणिया तकरीबन गिटिया ढली असा कोशिश तक की है वाली नारा बाबा कबूल कर लें तो सो दिल भी राजी हो जाए थोड़ा जहां और वक्फा कर सा इंतजामिया झाड़ा गुट गुट असा क्यों बना सो झाड़ा हूं अग बना सारे जैन मुताबक